बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ली है। बैक साइड की लंबाई मैंने 40 इंच ली है और फ्रंट साइड की लंबाई मैंने 38 इंच ली है। ये चार तह में फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 17 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद टोटल चौड़ाई जो है इसकी 34 इंच है। अब मैं पहले बैक साइड की कटाई करूंगी। बैक साइड मैंने 3 इंच ज्यादा ली है। फ्रंट साइड से बैक साइड मैंने 3 इंच ज्यादा ली है। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूंगी। इसे मैंने डबल फोल्ड कर ली है। तीरे की टोटल चौड़ाई मैंने रख दी है 14 इंच। 7.5 इंच मैं तीरे की चौड़ाई रखूंगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए 7.5 इंच ही कंधे की गहराई रखूंगी। कंधे की लंबाई में रखूंगी 7.5 इंच। ऊपर से आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया और यहां पे सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखनी है। 1 इंच मैं इजाफी लूंगी सिलाई के लिए। 11 इंच मैं चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी। कमर की चौड़ाई लूंगी 10 इंच। इसका भी मैंने 1 इंच इजाफी लिया है। तेरह इंच तक मैंने चेस्ट की गहराई रखी है। ये वाली यहां तक ऊपर से लेके फिटिंग की मैंने जो गुलाई देनी है 13 इंच तक देनी है। नीचे मैं तिरछा निशान लगाऊंगी। नीचे से मैं 4 इंच में निशान लगाऊंगी यहां पे गुलाई का। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। तकरीबन 5.5 इंच जो है कपड़ा इस साइड पे मैंने छोड़ा है। इसके ऊपर मैंने चोंच डालनी है इस साइड पे। पहले मैं ये वाली कटाई कर लूँ, ये वाले निशान लगा लूंगी और कंधे की कटाई कर लूंगी। निशान लगाने के बाद मैंने बैक साइड को ऊपर से उठा लिया। अब मैं बैक फ्रंट साइड के कंधे की गहराई करूंगी तकरीबन 1/2 इंच। तकरीबन यहां पे मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड से मैं इसकी कटाई कर लूंगी और इस साइड पे मैं चोट्स डालूंगी। यहां पे 10 इंच पे ही मैं निशान लगा लूंगी क्योंकि मैंने ये वाली पट्टी जो है नीचे को फोल्ड करनी है और यहां पे इस साइड पे बटन अटैच करने हैं और इस साइड पे चोट्स डालनी है। ये मैंने निशान 10 इंच पे लगाने हैं इस साइड पे। इस साइड में कटाई कर लूंगी।
14.5 इंच तक मैंने ये निशान लगाया ऊपर से, क्योंकि मैंने आधा इंच इसकी तिरछी कटाई करनी है। तो पहले मैंने ऊपर का आधा इंच छोड़ते हुए 14 इंच पे ये निशान लगाऊंगी। 14 इंच पे ये निशान मैंने लगा दिया और यहां तक मैं सिलाइयां लगा लूंगी, जो मोटी सिलाइयां लगाते हैं, और धागा खींच लूंगी। तकरीबन मैं 1-1 इंच पे ये सिलाइयां लगाऊंगी। ये मैंने 13 सिलाइयां 1-1 इंच पे लगा ली हैं। अब मैं इन सारी सिलाइयों का धागा खींचते हुए बराबर की चोंच डाल लूंगी। चोंच डालने के बाद इसे बिल्कुल बराबर करूंगी सब चोंच को, और इस तरीके से इसकी तह बिठा लूंगी और एक एक बार इसके ऊपर बारीक सिलाई लगा लूंगी। अब ये जो मैंने सिलाइयां लगाई हैं, इन सिलाइयों के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी और ये वाली सिलाइयां बाद में निकाल दूंगी। ये फ्रंट साइड है। जो सिलाइयां मैंने पहले लगाई थी और धागा खींच के चोंच डाली थी, वो वाली सिलाइयां निकाल दूंगी और जो बाद में सिलाइयां लगाई हैं वो रहने दूंगी। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहां पे सिलाई लगा दूंगी। नीचे तक 1-1 इंच मैंने कपड़ा फोल्ड करना है। अब मैं इस साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी, इसी तरह से 1 इंच कपड़ा अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए।
ये वाली लेस यहाँ पे, ये वाली लेस यहाँ पे अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए, और ये वाली साइड जो है इसके नीचे रख लूंगी। ग्यारह इंच तक मैंने इसे ओपन रखा है, आप चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं। कट के बराबर मैंने सीधी लाइन ड्रा कर ली है, ये बैक साइड है। यहाँ पे इस तरह से बुकरम को रखते हुए इस तरीके से इसकी तह बिठा लूंगी। कफ वाला बाजू बनाकर दिखाऊंगी। यहां पे चोट्स डालते हुए इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है, लंबाई मैंने बाजू की ली है 20 इंच। नीचे से मैं इसे इसी तरह से खुला रहने दूंगी। यहां पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की इस तरह से गुलाई करूंगी। चार इंच तक इसका कफ बनाऊंगी। अब मैं यहां पे सिलाई लगाऊंगी। मोटे धागे से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर चोट्स डालूंगी। एक सिलाई यहां पे लगाऊंगी और एक सिलाई यहां पे लगाऊंगी। चोट्स डालने के बाद मैं बारीक बारीक साथ साथ तकरीबन आधे आधे इंच पे बाकी सिलाइयां लगा के सारी चोट्स जो है उनको इकट्ठा कर लूंगी। ये मैंने यहाँ पे टिच बटन अटैच कर दी है। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मैंने सर्दियों के लिए ये फ्रॉक तैयार की है।
इस तरह से अपनी बच्चियों के लिए डिजाइनिंग वाले कपड़े सिलाई करें तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसे मैंने अप एंड डाउन रखा है, बैक साइड को मैंने गुलाई दी है, फ्रंट साइड मैंने बिल्कुल सीधी रखी थी और यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं और नीचे से मैंने तकरीबन 11 इंच ओपन रखी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।